छिंदवाड़ा को जगमगाने के लिए लगभग 42 करोड़ का टेंडर दिल्ली की नीव एनर्जी को जारी किया गया था, जिसमें कंपनी को छिंदवाड़ा शहर में 17 करोड़ के नए एलईडी लाइट को पुराने लाइट से बदलकर लगाना था। मगर अब नगरीय निकाय के अध्यक्ष व विधायक ने सरकार से ये एग्रीमेंट रद्द करने की बात कही है। परासिया विधानसभा के न्यूटन बड़कुई चांदामेटा तीनों नगरीय निकाय के अध्यक्ष विधायक ने स्ट्रीट लाइट विद्युत व्यवस्था को लेकर न्यू एनर्जी कंपनी का विरोध जताते हुए भाजपा सरकार से एग्रीमेंट रद्द करने की बात कही है। विधायक ने सीधा सरकार पर आरोप लगाया कि भाजपा ने खुद के लोगों को फायदा दिलाने के लिए भोपाल से ही न्यू एनर्जी कंपनी को टेंडर दिया, जिससे नगरीय निकाय को परेशानी होती है। नगरीय क्षेत्र पर कहीं भी जनप्रतिनिधि लाइट भी नहीं लगवा पा रहे हैं, जिससे जनता के बीच जनप्रतिनिधियों को अपशब्द सुनना पड़ता है। और नीव कंपनी द्वारा जहां पर लाइट लगवाए गए हैं वो सारे घटिया हैं। कुछ गलियों में अंधेरा रहता है, कुछ जगह लाइट जलती ही नहीं है, जिनका दुष्परिणाम जनप्रतिनिधियों को भुगतना पड़ता है। इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस कंपनी के एग्रीमेंट को रद्द करें, वरना उग्र आंदोलन किया जाएगा। भोटी नगर पंचायत के अध्यक्ष भरत डहरिया जी, न्यूटन नगर पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती अनुपा भूमा राय जी और सभी हमारे पार्षदगण और उपाध्यक्षगण उपस्थित यहाँ पर हुए थे। क्योंकि ये प्रेस वार्ता भी यहाँ पर बुलाई गई थी। मुख्य रूप से जो बिजली का संकट निरंतर तीनों नगर पंचायत में जो आ रहा है, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि न्यू एनर्जी एक ठेकेदार को इस नाम से ठेका दिया गया तीनों नगर पंचायत का। ये 7 साल का एग्रीमेंट होगा, 7 साल ये मेंटेनेंस करेंगे बिजली का। जहाँ लाइट खराब होगी, जो खंभे खराब होंगे, वो सारी सारी व्यवस्था को बनाना है। परंतु दुर्भाग्य से बात को कहना पड़ रहा है कि राज्य सरकार ने जरूर ठेका दिया है, मगर ठेकेदार काम कर रहा है ना, राज्य सरकार इसमें ध्यान दे रही है। और आम जनता को, आम पब्लिक को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे जनप्रतिनिधि हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या पार्षद, उनको आम जनता लगातार निरंतर उनको आरोप लगा रही कि आप लोग कुछ कर नहीं रहे हो। ये व्यवस्था को सुधारने के लिए हमने प्रशासन से कई बार मांग किया, प्रशासन का ध्यान दिलाया, और प्रशासन भी कोई ध्यान नहीं दे रहा, जिसके चलते आज प्रेस वार्ता के माध्यम से आम जनता तक ये बात पहुंचाने का हम सबने मिलकर प्रयास किया है। और आगे भी इसमें सुधार नहीं होगा तो निश्चित रूप से माननीय कलेक्टर से मिलकर, भोपाल में जो संबंधित अधिकारी उनसे मिलकर आगे की कार्रवाई करेंगे, ताकि हमारी जो बिजली की स्ट्रीट लाइट की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से संचालित हो और आम जनता को इसकी परेशानी का सामना न करना पड़े। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।